Hello students, today I am going to introduce about the next topic, that is peroxide effect or Kras effect. This is the anti-Markovnikov of addition. Okay, तो इसकी जो नाम है बेटा peroxide effect भी है और Kras effect भी है. तो it is just opposite to the Markovnikov of rule. Okay, according to anti-Markovnikov of rule, if HBr is added to the unsymmetrical alkene, suppose propene बेटा यहाँ पे लिए, this is propene. इसमें हमें HBr add करना है, H positive Br negative. तो this reaction takes place in presence of peroxide. यहाँ पे आप peroxide की presence में reaction show करोगे. तो इसमें ये कहता है ये rule कि जो negative part है of the addendum molecule. Addendum means बेटा adding molecules. और adding molecules यहाँ पे कौन सा है, जो adding molecules है वो आपका है यहाँ पे HBr. ओके, तो negative part कौन सा है, Br. तो Br कहाँ जाएगा, उस वाले carbon atom के पास जाएगा जहाँ पे more number of hydrogen atom है. ठीक है, अब carbon carbon के बीच में double bond है, लेकिन इस पे one hydrogen है, इस पे दो hydrogen है. तो जिस पे two hydrogen है, जिस पे ज़्यादा hydrogen है, तो negative part goes to this carbon atom. Okay, so this effect is also called as peroxide effect or Kras effect. तो बेटा इसमें क्या हुआ, इस पे H चला गया और इस पे Br चला गया. तो दिस इज सी एच टू और दिस इज सी एच टू बी आर, वन ब्रोमो प्रोपेन. ओके, तो ये आपका क्या है, एंटी Markovnikov rule. तो जो फॉर्मेशन हुई है वन ब्रोमो प्रोपेन की, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. नाउ नेक्स्ट इज mechanism of this reaction. This reaction takes place by the free radical mechanism and it involves the many steps. ठीक है, step number one बेटा, first step is initiation. Initiation में क्या होता है बेटा, generation of free radical. जैसे Br radical generate करना है तो सबसे पहले आप क्या लोगे, benzoyl peroxide, जो आपने क्या डाला था, reagent डाला था. ठीक है, C6H5COO, फिर वही चीज़ बार रिपीट होनी है, ओ सी ओ सी सिक्स एच फाइव. तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है बेटा, तो इसमें क्या होगा, होमोलाइसिस होगा. तो दिस बॉन्ड ब्रेक, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो एक रेडिकल ऑक्सीजन पे और दूसरा भी ऑक्सीजन पे. ठीक है, तो इट मीन्स ये टू टाइम्स बन गया आपका, ये बॉन्ड फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा बेटा, ये इधर और ये इधर. तो यहाँ सी ओ टू निकल जाएगी और ये बना फिनाइल रेडिकल. ठीक है, ये कौन सा बन गया, फिनाइल रेडिकल बन गया. अब ये फिनाइल रेडिकल HBr के साथ होमोलाइसिस करेगा, होमोलाइसिस मीन्स बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा फिर से बेटा. देखो ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला इधर, यहाँ Br रेडिकल आया तो ये बना C6H6 प्लस Br रेडिकल, यहाँ ब्रोमीन रेडिकल मिला हमें. तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल को जनरेट किया. कैसे किया, जो भी आप रिएजेंट ऐड करोगे उसकी होमोलाइसिस करो, जो भी प्रोडक्ट आए उसकी फिर से होमोलाइसिस करो, एंड आफ्टर दैट उसमें क्या डालना है हमें, HBr ऐड करना है. तो होमोलाइसिस करने के बाद हमें मिलेगा ब्रोमीन फ्री रेडिकल. ओके, सेकेंड स्टेप इज प्रोपेगेशन स्टेप. इस स्टेप में क्या करना है बेटा, जो रेडिकल हमारा बना है, जनरेट हुआ है, उसका आप डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक कराओगे. देखो इसमें ये प्रोपीन है बेटा, प्रोपीन में ब्रोमीन रेडिकल डाला होमोलाइसिस की. तो देखो बेटा ये वाला बॉन्ड टूटेगा एक. ठीक है, एक बार तो रेडिकल यहाँ आ सकता है, एक बार रेडिकल यहाँ आ सकता है. ठीक है, जब यहाँ रेडिकल आया तो बी आर आपका इस वाले पार्ट पे जुड़ गया, यहाँ. जब आपका बीच वाले पार्ट पे रेडिकल आया तो आपका बी आर यहाँ जुड़ गया. ठीक है, तो जो आपका ये कौन सा रेडिकल बना बेटा, प्राइमरी रेडिकल, और ये कौन सा बना, सेकेंडरी फ्री रेडिकल. अब सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू प्राइमरी. तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा सेकेंडरी वाला. देखो स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री में क्या है बेटा, पहले ये आपका क्या है, सेकेंडरी. इसमें आप HBr ऐड करोगे तो आपका Br कहाँ जुड़ेगा बेटा, Br यहाँ निकल जाएगा और H यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा. ये मेजर प्रोडक्ट कैसे है, क्योंकि Br जो ये वाला पार्ट है Br, ये पहले से ही ऐड हो चुका है,
जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो ये मेजर बना, सेकेंडरी कार्बोकेटायन था, सेकेंडरी फ्री रेडिकल था सॉरी। अब इस केस में क्या होगा, जो एच बी आर है तो बेटा एच यहाँ जुड़ेगा और बी आर आपका रेडिकल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो ये कौन सा होगा, माइनर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज नंबर थ्री, दैट इज टर्मिनेशन स्टेप। इसमें बी आर रेडिकल और बी आर रेडिकल दोनों कंबाइन होंगे और क्या बनेगा बेटा, बी आर टू बन जाएगा। ओके, तो ये आपके क्या थे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था। फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन विच इन्वॉल्व्स द जर्नेशन ऑफ फ्री रेडिकल। सेकेंड स्टेप इज प्रोपेगेशन, इट इन्वॉल्व्स द अटैक ऑफ फ्री रेडिकल ऑन द डबल बॉन्ड। पॉइंट स्टेप नंबर थ्री टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में जो दो रेडिकल्स बने हैं आपके, वो आपके कंबाइन होके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बना देंगे। ओके, सो दिस इज द दिस एंटी मार्कोनिकोफ रूल दैट इज इम्पोर्टेंट एंड इट्स मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नाउ द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट टॉपिक इज एल्काइन। एल्काइन क्या है बेटा, ये द कंपाउंड्स दैट कंटेनिंग एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और इट इज़ द अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है, दैट हैविंग द फोर कार्बन एटम्स लेस देन द एल्केन। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा, CnH2n-2, ठीक है, तो ये n वैल्यू इज इक्वल टू 2, 3, 4 ऐसे है, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेबल मेंबर ऑफ सीरीज है दैट इज इथाइन, इसको इथाइन बोलते हैं, C2H2 होता है इसका फॉर्मूला। इसका दूसरा नाम है एसिटाइलिन, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं, एसिटाइलिन को वेल्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब एसिटाइलिन ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है, मिक्स होता है, तो वो ऑक्सी एसिटाइलिन बनाता है, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम देता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम क्या है, ये रखा हुआ है। नाउ इसमें कार्बन कार्बन के बीच में देखो बेटा, ये रहा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन इथाइन है बेटा। ब्यूट 19 में क्या होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा फर्स्ट वाले कार्बन पे ही, ब्यूट 19, सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ब्यूट 2-ईन। जब थ्री कार्बन की चेन हो और फर्स्ट कार्बन पे ही ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो प्रोपाइन, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा, देखो सिंपली आपको ये वाला बनाना है, ये कार्बन है बेटा, कार्बन के पास क्या है, पी ऑर्बिटल्स हैं ऐसे, इस वाले कार्बन के पास भी पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये ओवरलैप होके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ एक हाइड्रोजन ओवरलैप हो रहा है 1s ऑर्बिटल, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, तो ऐसे ही बनता है इसका स्ट्रक्चर बेटा, ये आपका हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। ओके, तो इन द केस ऑफ इथाइन बोथ द कार्बन एटम्स हैज 2sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आउट ऑफ विच वन फॉर्म द sps सिग्मा बॉन्ड विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन एटम्स दैट ओवरलैप एक्जली विद द sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन एंड टू फॉर्म अ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, दिस वन कार्बन एंड कार्बन हेयर सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। ओके, तो इन दिस यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा बेटा HCC, ये बॉन्ड बना और दिस बॉन्ड इज 180 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री का बॉन्ड है, बॉन्ड एंगल है, ठीक है। अब इसमें क्या, ये सिग्मा बॉन्ड है, अब जो पाई बॉन्ड है बेटा वो क्या है, देखो ये आपके पाई बॉन्ड है एक कार्बन, क्योंकि जब हम C ट्रिपल बॉन्ड C लिखते हैं तो वन सिग्मा बॉन्ड एंड अनदर टू आर पाई बॉन्ड, ठीक है, तो सेम इस केस में भी है बेटा, एक पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक यहाँ और एक यहाँ बन जाएगा, ठीक है, तो एक ऊपर वाला बनेगा एक नीचे वाला पाई बॉन्ड। इस केस में क्या है, ईच कार्बन एटम्स हैज टू अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द प्लेन ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बट द टू पी ऑर्बिटल्स ऑफ वन कार्बन एटम्स दैट आर पैरेलल टू द टू पी ऑर्बिटल्स ऑफ अदर कार्बन एटम। सो दीज टू टू पी ऑर्बिटल्स दैट ओवरलैप साइडवेज, क्योंकि बॉन्डिंग जो स्पाई बॉन्ड बनता है दैट इज फॉर्म्ड बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग। ओके, एंड टू गिव द टू पाई बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम, तो बेटा सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा और दो पाई बॉन्ड आपके यहाँ बन जाएंगे,
ठीक है। तो ये आपका कौन सा बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बेटा इन द केस ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल्स देयर इज वन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ओके, एंड टू कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एंड टू कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। ठीक है, ये इसमें टोटल इन्वॉल्व होते हैं बेटा। अब जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है दैट इज अ स्ट्रोंगर बॉन्ड, स्ट्रोंगर होता है एंड शॉर्टर होता है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। ओके, क्यों होता है बेटा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दो कार्बन एटम्स के बीच में, ठीक है, ये जो दो कार्बन एटम है इनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेटा वो क्या है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल है दैट अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सो इथाइन जो होता है वो एक क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल है, ये 180 डिग्री बॉन्ड एंगल फॉलो करता है, इसलिए क्या है ये लीनियर मॉलिक्यूल फॉलो होता है। ठीक है, इसकी शेप आ जाएगी। नाउ द नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म इन एल्काइन्स। एल्काइन एग्जिबिट टू टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड इज पोजिशन आइसोमेरिज्म। द आइसोमर्स विच डिफर इन द चेन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम की चेन में जो डिफरेंस आता है, जैसे मान लो ये आपकी 5 मेंबर की चेन है तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट पे ही कार्बन इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया बेटा, फिर आपकी चेन जो है ब्रांच फॉर्म में भी बन सकती है, ठीक है, C5H8 होता है, तो ये मतलब कार्बन एटम्स की चेन वेरी करनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, पोजिशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि एल्काइन हैविंग मोर देन 4 कार्बन एटम्स, जैसे बेटा ब्यूट 1 आयन है तो ये फर्स्ट पोजिशन पे ही आ गया, और ब्यूट 2 आयन में ये सेकेंड पोजिशन पे ही आ गया, ये फर्स्ट पे ही आ गया, तो यहाँ पे पोजीशन में चेंज है ना, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इस केस में इसकी इसको बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, एल्काइन को बेटा दो तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड एंड सेकेंड फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। कैल्शियम कार्बाइड में क्या होगा, देखो जैसे कैल्शियम कार्बाइड में वाटर ऐड करते हैं बेटा, वाटर ऐड करेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकालेगा और यहाँ क्या बनेगा, इथाइन C2H2 बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। ओके, अब ये कैल्शियम कार्बाइड जो है ये क्या करेगा, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं, ठीक है, ये लाइमस्टोन से बनता है, CaCO3 लाइमस्टोन होता है बेटा, जब इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, और CO2 गैस इसमें से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो क्विक लाइम ऑप्टेन होता है प्लस CO2 गैस हाई टेम्परेचर पे इसमें ऑप्टेन होती है। फिर ये CaO ये कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आपका कैल्शियम कार्बाइड बनाएगा और CO कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल देगा। ओके, तो ये फर्स्ट प्रिपरेशन है, हमें इससे क्या मिला, इथाइन मिला है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स, अब विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होता है बेटा, जो भी एडजेसेंट कार्बन एटम पे अलग अलग वो जुड़े हुए होते हैं हैलोजन ग्रुप, तो उनको बोलते हैं हम विसिनल डाइहैलाइड्स। देखो इसमें ये है आपके पास ब्यूट 1-ईन, ठीक है, इसमें ब्रोमीन ऐड करते हैं बेटा, एक BR इस पे जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक BR इधर एक BR इधर यहाँ पे ऐड हो गया, तो 1-2 डाई ब्रोमोब्यूटेन हो गया। एल्कोहलिक KOH डाल दिया, एल्कोहलिक KH क्या करते हैं, H यहाँ से BR यहाँ से HBr निकल गया, ये आ गया 1-bromo-1-butene, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इस केस में हम सिंपल भी कर सकते हैं बेटा, इसमें हम ये वाली चीज़ लेके एज इट इज़ 1-bromo-1-butene, इसमें सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ऐड किया हमने, तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया क्या करेगा बेटा, यहाँ से H यहाँ से और BR यहाँ से HBr निकाल देगा और ये बनाएगा 1-butyne। ठीक है, तो आप इसको सिंपल भी कर सकते हो, देखो इसकी और भी हम सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सपोज ये आपका क्या है, CH2 C H
एच, एक बी आर आपका यहाँ है, ये विसिनल डाई हैलाइड है बेटा, ठीक है। इसमें हम डालेंगे बेटा एल्कोहलिक के ओ एच, ठीक है। इससे आपका के बी आर निकल जाएगा, इससे आपका एच टू ओ निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, के बी आर निकल गया, ठीक है, और एच टू ओ भी निकल गया। अब आपके पास बचा क्या बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि ये बी आर निकल गया, ये वाला बॉन्ड इधर, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया। अब यहाँ बचा बेटा ये एक साइड एच, एक साइड बी आर, यहाँ आ गया एक साइड एच, एक साइड एच यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें डाल दिया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, NaNO2, सॉरी, इस पे पॉजिटिव बेटा, इस पे नेगेटिव। जब सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ऐड किया बेटा, तो इसमें से क्या क्या निकला, एक तो NaBr निकल गया, ठीक है, एक आपका बेटा NH3 निकल गया, NH3, ठीक है, और बेटा ये बच गया आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया आपका, ठीक है, एल्काइन बन गया। ओके, सो दीज आर द टू प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन्स। इसमें फर्स्ट है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल में फर्स्ट है बेटा फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। द फर्स्ट थ्री मेंबर्स इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन्स दैट आर गैसेज एट द रूम टेम्परेचर। और जो नेक्स्ट एट हैं बेटा वो लिक्विड में होते हैं, हायर वंस आर सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ऑल द एल्काइन्स आर कलरलेस, सारे कलरलेस होते हैं। इथाइन हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ गार्लिक, ठीक है, इसमें बेटा जैसे लहसुन की स्मेल आती है, उस जैसी स्मेल आती है इथाइन में, ठीक है। सेकेंड है सॉल्युबिलिटी। एल्काइन्स आर वीकली पोलर इन नेचर, ठीक है, क्योंकि ये हल्के होते हैं वाटर से भी, इसलिए वाटर में कम मिसिबल होते हैं, ठीक है, इसको इमिसिबल बोलते हैं बेटा, इनसोल्युबल होते हैं मतलब ये, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, ठीक है। तो पेट्रोलियम ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन वगैरह, ये क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, उनमें ये सॉल्युबल होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी ऑफ एल्काइन्स, ये तीनों चीज़ें क्या होती है बेटा, हायर होती हैं एज कम्पेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेम्बर्स ऑफ एल्केन्स एंड एल्कीन फैमिलीज। रीज़न क्या है बेटा, जो एल्काइन होता है वो क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है, क्योंकि उनके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं स्पेस के अंदर, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड है अट्रैक्टिव फोर्सेस का वो क्या होता है, हायर होता है, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, हायर रहता है। और वैसे भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्काइन के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सीरीज लेते हैं, इथेन, इथीन और इथाइन, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 191 है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका भी 198 है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या है, सबका अलग है, तो इथाइन का सबसे हायर है, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो मॉलिक्यूलर मास के साथ क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन, इसमें फर्स्ट सेक्शन है बेटा एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। अब डाइहाइड्रोजन हम आप ऐड कब करते हो, जब एल्काइन एसिडिक नेचर शो करता है। अब एल्काइन में क्या होता है बेटा, एल्काइन मतलब इथाइन एक तरीके से, ठीक है, हम इथाइन का केस लेते हैं। इथाइन हैविंग sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स, ठीक है, दैट हैविंग अ मैक्सिमम s कैरेक्टर एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड टू द लार्ज नंबर एंड मेक द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इजियर, ठीक है। सो दैट्स वाई जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम से, ये वाले जो हाइड्रोजन अटैच हैं बेटा यहाँ से, ये ज़्यादा एसिडिक हैं, ठीक है। तो अब हम जो है इसकी रिएक्शन देखते हैं कि डाई हाइड्रोजन ऐड कैसे होता है।
तो एल्काइन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, प्लैडमियम एज अ कैटेलिस्ट. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन. ओके, तो इसमें हम ट्रिपल बॉन्ड में H2 ऐड करेंगे बेटा, ये कैटेलिस्ट है आपके. डबल ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ठीक है. एक एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा. अब डबल बॉन्ड को फिर से एक बॉन्ड और टूट जाएगा बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ, तो ये बनेगा CH3CH3. ओके, एल्केन में चेंज हो जाएगा. सेकेंड रिएक्शन है बेटा एडिशन ऑफ हैलोजन. हैलोजन कैसे ऐड होगा, देखो एडिशन कैसे होगा. जो एल्काइन होता है दैट अंडरगो द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है. क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस है जिसमें से दो ही मॉलिक्यूल्स, टू मॉलिक्यूल्स रिएजेंट के इसमें ऐड होते हैं, ठीक है. इसलिए जो मैकेनिज्म है इसके अंदर इन्वॉल्व होता है विनाइलिक कैटाइन एंड एडिशन प्रोडक्ट. देखो बेटा कैसे ऐड होते हैं. इस केस में हम जो HBr ऐड करते हैं, ये देखो HBr हमने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में ऐड किया, तो हमारा ये वाला जो Br है, ये देखो बेटा Br जब आपने ऐड किया तो इसमें क्या है, एक प्लस डेल्टा और एक माइनस डेल्टा, प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा. तो ये बॉन्ड टूटा, एक Br यहाँ आ गया और ये Br यहाँ आ गया, 1,2-dibromopropane. अब फिर से बेटा Br2 ऐड किया, तो फिर से डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, एक Br आपका यहाँ अटैच हो जाएगा, एक यहाँ अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है. कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब इस तरीके से जो है इसमें यूज़ होता है. तो CCl4 और Br2 की प्रेजेंस में होता है बेटा ये. तो इसमें क्या होता है, जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसमें जो ब्रोमीन का जो सॉल्यूशन होता है वो रेडिश ऑरेंज कलर का होता है, तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे डीकलराइज होता है. तो ये अनसेचुरेशन का टेस्ट भी देता है, ठीक है. तो इसमें हम CCl4 डालते हैं, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स. इसमें क्या होता है बेटा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स लेते हैं, जैसे HBr, HCl, HI ये लेते हैं, ठीक है. इनको जब हम एल्काइन में ऐड करते हैं, ये एल्काइन है, इसमें HBr ऐड किया आपने, तो बेटा जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है ना उसमें से एक बॉन्ड को तोड़ दो आप. एक बॉन्ड टूटा तो यहाँ डबल आया, और यहाँ एक एक साइड Br जुड़ गया बेटा यहाँ पे, और एक साइड आपका H जुड़ जाएगा, ठीक है. यहाँ H, यहाँ Br जुड़ गया बेटा. फिर से डालोगे तो एक Br यहाँ और एक H यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है. तो ये बन जाएगा. अब नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर. एडिशन ऑफ वाटर कहते हैं बेटा, जो एल्कीन होती है जब वो रिएक्ट करती है किसके साथ, वाटर के साथ, एल्काइन बेटा सॉरी, एल्काइन जो होती है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक HgSO4 के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट 337 केल्विन. तो जो प्रोडक्ट मिलता है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिलते हैं बेटा, इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं, ठीक है. इथाइन में वाटर ऐड करते हैं तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है. एच यहाँ बेटा, ओ एच यहाँ, ठीक है. फिर आइसोमेरिज्म, आइसोमेराइजेशन होती है. तो इसमें क्या होता है बेटा, कीटो इनॉल टोटो आइसोमेराइजेशन मिलते हैं, तो जो इनॉल फॉर्म होती है वो कीटो फॉर्म में चेंज हो जाती है. तो इसमें ये वाला जो हाइड्रोजन है बेटा यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये हाइड्रोजन आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. कैसे होगा बेटा, देखो जैसे CH2 डबल बॉन्ड COH है और ये है आपका प्रोडक्ट. ये वाला जो है बेटा ये आपका जाएगा यहाँ, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा इधर, तो हाइड्रोजन बेटा इसके पास चला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कीटो फॉर्म, ठीक है. यहाँ बन जाएगा CH3. ओके, तो ये बनेगा इथेनॉल, ठीक है. एल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन. लीनियर पॉलीमराइजेशन एंड साइक्लिक पॉलीमराइजेशन. लीनियर पॉलीमराइजेशन में क्या होता है बेटा, इथाइन की होती है, इसमें क्या होता है पॉली एसिटाइलिन ऑफ पॉलीथीन ये प्रोड्यूस होता है, और ये हाई मॉलिक्यूलर मास का होता है, ठीक है. इसमें रिपीटिंग यूनिट होती है जैसे CH, इसमें बेटा जो हम लीनियर बनाते हैं इथाइन का, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH, ये यूनिट बार बार क्या होती है, रिपीट होती है,
ठीक है, क्योंकि इथाइन में ट्रिपल होता है, ट्रिपल से डबल आ जाएगा, डबल सिंगल ऐसे इसकी जो है एक चेन बनती जाती है, और इस चेन का मॉलिकुलर मास बहुत ही हाई होता है। तो ये एक तरीके से मोनोमर है। जब ये यूनिट बार बार रिपीट होती है तो एक चेन बनाती है बेटा, जिसका नाम है पॉलीमर। तो इसका नाम क्या है? पॉलीएसिटाइलीन है ये, ठीक है। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और जो होता है ये बहुत ही लाइट होता है, चीप होता है, ठीक है। और इसका जो यूज़ होता है पॉलीएसिटाइलीन का, इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज़ किया जाता है, बैटरीज़ के अंदर इलेक्ट्रोड्स में यूज़ किया जाता है, ओके। नेक्स्ट इज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन क्या होता है बेटा? जब इथाइन गैस को पास करते हैं हम रेड हॉट आयरन ट्यूब से 873 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये एक साइक्लिक पॉलीमराइजेशन बना के और बेंजीन बनाता है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। और इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं? एलिफैटिक से एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, तीन एसिटाइलीन लो आप यहाँ पे, CH ट्रिपल बॉन्ड C फर्स्ट, CH ट्रिपल बॉन्ड CH सेकंड और थर्ड, ये लिया बेटा। इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो इस केस में क्या बनता है? ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये बेंजीन बनाता है और इसको क्या बोलते हैं, इसको ये ऐसे इस फॉर्म में भी बनाते हैं, ठीक है। तो बेंजीन रिंग को आप रिंग के साथ भी बना सकते हो, डबल बॉन्ड के साथ भी बना सकते हो। तो बेटा यहाँ हमें एलिफैटिक कंपाउंड्स था हमारे पास, और एलिफैटिक से हमें क्या मिल गया? एरोमेटिक कंपाउंड्स मिल गया, ठीक है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के, ठीक है। सो ऑल दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। तो बेटा ये जो पॉलीमराइजेशन है, इसमें आप को क्या करना है, ऐसे ही बनाना है आपको एक रिंग की फॉर्म में, ताकि इसमें सिक्स कार्बन बने, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो सिक्स कार्बन की एक लंबी सी वो बनेगी, एरोमेटिक रिंग बनेगी, और रेड हॉट आयरन ट्यूब डालना है इसमें 873 पे। तो ये बार बार यही चीज़, ये मोनोमर है बेटा, ये बार बार रिपीट होके और एक साइक्लिक फॉर्म बनाएंगे, और उसको हम उसका लार्ज मॉलिकुलर मास होगा और वो एक ऐसे साइक्लिक फॉर्म बनाएंगे, तो वो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कहलाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन इसकी जो रीज़न है, मेन जो इसका रोल है वो क्या है? एलिफैटिक कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स में चेंज करना, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।